सात सरल उपायों से करे शंकर जी को प्रसन्न, पाए धन और सफलता का आशीष। श्रावण मास में शिव को प्रसन्न करते हैं ये सात सरलतम उपाय। श्रावण मास एक सुनहरा अवसर है जहां हम शिव की कृपा प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अवसर जाने न पाए, जरूर आजमाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और भाग्यशाली टोटके आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। श्रावण में रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। घरेलू परेशानियों, पारिवारिक कलह इत्यादि के निदान के लिए श्रावण में रोज सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें तथा गुगल की धूप दें। विवाह में अड़चन आ रही है तो श्रावण में रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे शीघ्र विवाह के योग बन सकते हैं। श्रावण में रोज नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। श्रावण में गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी तथा पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। श्रावण में रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निपटकर समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाए और भगवान शिव का जल से अभिषेक करे और उन्हें काले तिल अर्पण करे। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। इससे मन को शांति मिलेगी। श्रावण में किसी नदी या तालाब जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाए। जब तक ये काम करे, मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहे। ये धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय है। तो दोस्तों, ये थे सात सरल उपाय जो शंकर जी को प्रसन्न कर सकते हैं और आपको इससे धन और सफलता का आशीष मिल सकता है। अगर आप इस विषय में अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक टोटके के साथ। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और भाग्यशाली टोटकों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।